आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। आजमगढ़ के मुबारकपुर पिछड़ी में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में प्रत्येक माह की 15 तारीख को निश्चय दिवस का आयोजन, निश्चय दिवस टीबी के लोगों के लक्षण का पता करना। टीबी के लक्षण लगातार दो हफ्ते से खांसी आना, बुखार आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट आना और रात में पसीना आना, टीबी के यही सब लक्षण हैं। जब मीडिया से बात हुई तो डॉक्टर CHO मनीष कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। न्यूज 9 भारत के लिए अमित तिवारी की रिपोर्ट। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मनीष कुमार है, मैं रहने वाला बलिया जिला का हूं और मेरी ज्वाइनिंग जो है आजमगढ़ के सठियाव ब्लॉक में हुआ है, CHO के पोस्ट पे। जी, किस जगह? ये सठियाव ब्लॉक जी, और किस गांव में हुआ है? गांव पिछड़ी। पिछड़ी में। सर इस कार्यक्रम के बारे में बताएं। इस कार्यक्रम के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ कि यह कार्यक्रम हर महीने के 15 तारीख को मनाया जाता है, जो निश्चय दिवस है। निश्चय दिवस उन्मूलन कार्यक्रम जो है यह मनाया जाता है हर महीने के 15 तारीख को। इसमें जो है टीबी के लक्षणों को बताया जाता है और टीबी के लक्षणों वाले मरीजों को आशा के माध्यम से बुलाया जाता है। जैसे टीबी के लक्षण में जैसे लगातार दो हफ्ते से खांसी आना और बुखार होना, भूख ना लगना, वजन में लगातार गिरावट होना और रात में पसीना आना, अगर ये सब लक्षण मिलते हैं तो हम आशा के माध्यम से उन मरीजों को बुलाते हैं और उनका जो है ट्रीटमेंट जो है मुफ्त होता है। और इस कार्यक्रम में मरीजों को उन टीबी के लक्षणों को बताया जाता है और उनसे यह बताया जाता है कि जो है अपने परिवार से हमें क्या करना है, बच के भी रहना है। जैसे जो टीबी के लक्षण है तो एक दूसरे के माध्यम से ड्रॉपलेट, यह एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है जो एक माध्यम से दूसरे के माध्यम में क्या होता है, फैलता है। तो हम मरीजों को बताते हैं कि क्या करें, मास्क लगाए रहे, अगर ये सब लक्षण मौजूद हैं तो क्या करें, तुरंत अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर क्या करें, इसका उपचार कराएं और इस बीमारी से क्या क्या रहे, बची रहे। मरीजों को क्या सुविधा मिलेगा जी? सर मरीजों को क्या सुविधा मिलेगा? मरीजों को सुविधा सर ये है कि उनका जो है हम क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं जी, बलगम उनका सैंपल लिया जाता है और उसको हम क्या करते हैं अपने स्वास्थ्य केंद्रों पे क्या करते हैं, जाँच के लिए भेजते हैं। अगर उसको वो लक्षण मौजूद है तो इनका क्या होता है, मुफ्त इलाज होता है और सरकार जो है डीबीटी के माध्यम से इनको क्या करता है, 500 रुपये हर महीने क्या करता है सरकार देता है और इनके न्यूट्रिशन के लिए। यह कैंप कितने बजे से लगा गया है? यह कैंप 9 बजे से लेकर के 4 बजे तक लगाया गया है जी। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ, छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।